हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और मैं हूं दीपक। और आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमारा जो व्लॉगिंग चैनल है उसको जाके देखो और उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम वहां अपने डेली लाइफ रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। वहां पर आप हमारी डेली लाइफ फॉलो कर सकते हो। और सेकेंडली, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो मुझे लगा कि बताना चाहिए आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं। दीपक, जल्दी बताओ ये टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप शॉकिंग थिंग्स जो हमने जर्मनी में एक्सपीरियंस की है एज ए इंडियन। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी ऑफ कोर्स, क्योंकि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, हर एक कंट्री के अपने अलग चीजें होती हैं। पर कुछ चीजें जो हैं वो एक्चुअली हमें इतनी शॉकिंग लगी और इंटरेस्टिंग भी हैं ये सारी चीजें। बाकी तो सारी चीजें जो हैं हमने आपको पहले भी बताए अपने वीडियोस में, बट ये वाली जो है ये सारी नई है और आपको मजा आएगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो जरूर देखना। तो सबसे पहला पॉइंट है दीपक, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अपार्टमेंट सर्च करना। ठीक है, आप सोच रहे हो अपार्टमेंट सर्च करना, पर उसमें क्या दीपक ऐसा शॉकिंग चीजें थी जो हमें लगी कि यार। मैं बताता हूँ, जो इंडिया में हम जो अपार्टमेंट ढूंढते हैं तो हम बस देखा कहाँ टूलेट लगा या ब्रोकर से बात की और ओनर से बात की और सीधा रेंट एग्रीमेंट बन जाता है अगर दोनों लोग एग्री हैं तो। यहाँ पर भाई साहब दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। यहाँ पर आपकी सैलरी स्लिप, आपकी फैमिली में कौन कौन है वो, आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है पिछले एक साल की वो, और आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कहीं प्रोबेशन पीरियड पे तो नहीं है, आपकी परमानेंट जॉब है या नहीं, आपकी वाइफ स्पाउस भी जॉब करते हैं या नहीं करते, घर में बच्चे हैं, घर में पेट्स हैं या नहीं, शूफा रिपोर्ट, वही फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन सब की एक पूरी फाइल बनानी पड़ती है और एक फॉर्म भरना पड़ता है इतनी बड़ी फाइल लेके। तो जब लोग घर देखने जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि आपने देखा अरे वाह यार ये घर ऑनलाइन दिख रहा है, सीधा बात किया, हाँ हमको घर देखना है आज, नहीं ऐसे जाने कितने लोग एक साथ अप्लाई करते हैं, वो सबका टाइम स्लॉट देते हैं, ओके आप संडे को इतने बजे आइए, आप जब वहाँ पहुंचते हो फाइल लेके 15-20 लोग ऑलरेडी खड़े हैं वहाँ पर। हाँ, और आप देख रहे हो कि उसमें आपको पूरा उनका जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें सारी चीजें होती है कि वो कितने सैलरी कमा रहे हैं, कितने बच्चे हैं, उनके पेट्स कितने क्या है। और एक बार मतलब म्यूनिक में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई अपार्टमेंट मिलने में, और वहीं मैंने देखा कि यार एक घर में हम गए थे कम से कम 12 लोग थे जो खड़े हुए थे लाइन में, और सबके हाथ में इतने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट है और हम उठा के चले गए, क्योंकि हम लोग जो है वो डिजिटल वर्ल्ड। हाँ, मतलब हमने ऑनलाइन भेज दिया था उन्हें, ठीक है यार अब क्या प्रिंट लेकर जाना, पर यहाँ ऐसा है जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। हाँ, फिर भी गारंटी नहीं है कि आपकी अच्छी सैलरी है, सब कुछ हो तो भी आपको घर मिलेगा। हाँ, तो बर्लिन ये बड़ी एक शॉकिंग थी। बर्लिन में तो बहुत ही मुश्किल है, आपके सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, सब कुछ सही है तो भी मिलना, और म्यूनिक में भी उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब फाइल लेके आप अपार्टमेंट सर्च करने जा रहे हो और उसके बाद भी आप इतना सब कुछ तामझाम कर रहे हो, उसके बाद भी भरोसा नहीं है कि आपको वो अपार्टमेंट वो लोग देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो सबसे बड़ी और मेजर चीज थी जो हमें बहुत शॉकिंग लगी। सेकेंड चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऑफ कोर्स हम जब यहाँ शिफ्ट हुए तब मैंने ये चीज जो है वो नोटिस करी और मैंने दीपक को बताया भी, यार ये कैसी चीजें होती है दीपक। एक तो वो फर्नीचर बाय करना है, और फर्नीचर बाय करना तो चलो सब सोच रहे होंगे फर्नीचर बाय करने में ऐसा कौन सा शॉकिंग लग गया आपको, पर उसमें जो चीजें हैं जो इंडिया से कितनी डिफरेंट है तुम जरा थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या है वो। मैं लिटरली बताऊँ ना तो मैक्सिमम चीजें टॉर्चर है। सर हमने जब हम घर में शिफ्ट हुए तो हमें बेड सोफा वोफा सब लेना था, तो जब पहली चीज तो आप कोई महंगी चीज खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी सी मतलब महंगी क्या बताऊँ, जो बड़ी चीज खरीद रहे हो पहली बात आपको उसके लिए डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दूसरी बात आपकी एक डिलीवरी टाइम फिक्स होगा, उस टाइम पे आपको घर पे रहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात कि आप जैसे हमारे साथ हुआ, हम सोफा लेने गए थे और हमें लेना था थोड़ा सा वाइट कलर का, ऑफ वाइट कलर का सोफा, लेकिन वहाँ पे वो सोफा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि नहीं होता, सिर्फ एक पीस रखते हैं वो, बाकी सारे कपड़े रख के रखते हैं किस किस कलर में मिलेगा, तो वो सारे कलर्स ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस में अवेलेबल है, नहीं वो आप बोलो यार मुझे ये कलर का चाहिए, तो हमने बोला यार हमें ये कलर का चाहिए, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाएगा आपको 2-2.5 महीने में। मैंने कहा दो गई यार। और एक और चीज, जैसे अगर आप किसी भी शोरूम में जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आइकिया में जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो जो जो
क्या कहते हैं उसे, डिस्प्ले पीस, हाँ जो डिस्प्ले पीसेस होते हैं, अगर आप डिस्प्ले पीसेस देख रहे हो तो हमारे दिमाग में, इंडियंस के दिमाग में होता है अगर ये डिस्प्ले पे रखा है मतलब ये अवेलेबल है, बट दैट डजंट मीन कि वो अवेलेबल है, हो सकता है वो बोल दें कि वो अवेलेबल नहीं है, प्लस वो कलर के स्वेचेस रखे रहते हैं, पर वो स्वेचेस जो है अगर आप बोलोगे ना कि हमें ये वाला चाहिए तो वो बोलेंगे भाई 2-3 महीने बाद आपको डिलीवर होगा, जो बहुत शॉकिंग था और अनोइंग भी है हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत फास्ट लाइफ में जीते हैं और हमें जब ये सुनने मिलता है कि 2-3 महीने में आपको डिलीवर होगा तो बहुत बुरा लगता है, और नॉर्मल केसेस में तो दीपक 2-3 हफ्ते तो नॉर्मली लग ही जाते हैं ना शिफ्टिंग होने में. तो ये है अनदर पॉइंट. अनदर पॉइंट इज 14 डेज रिटर्न, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी शॉकिंग चीज हमें लगी. यहाँ पर बेसिकली पॉलिसी ये है कि कोई भी आइटम है आप 14 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो उसको, कोई भी, मतलब कोई भी, चाहे वो एक ककड़ी जो है, टमाटर है से लेकर दूध का पैकेट से लेकर कोई बड़ा सा बड़ा फर्नीचर से लेकर कोई भी चीज है, आप 14 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, और वो लोग क्वेश्चन भी नहीं करते हैं कि आपने ये क्या रीजन से जो है वो आप वापस कर रहे हो. तो इट्स लाइक शॉकिंग. पर दीपक अभी मैंने रिसेंटली देखा है कि किसी किसी सुपरमार्केट में लिखा होता है कि ये सारी चीजें जो है वो रिटर्न नहीं हो सकती. ऑब्वियसली कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स जो है वो नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम चीजें हैं जैसे कपड़े, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें आप जो भी खरीदते हो वो 14 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है, जो की एक अच्छी चीज है. तो कभी कभी हम क्या होता है जैसे हम नहीं ट्राई कर पाते, हम उठा के ले आते हैं और रख लेते हैं और फिर जब पैन वैन के देख लेते हैं, फिर जब अच्छा नहीं लगता तो 14 डेज में रिटर्न कर लेते हैं. मेरे ख्याल में ये सिमिलर पॉलिसी अपने यहाँ भी है, पर अमेज़न फ्लिपकार्ट पर है, हर जगह नहीं है. नॉर्मल सुपरमार्केट स्टोर में आप जाओगे वहाँ ये सब चीजें नहीं होती. एक Even माल बिक गया. इवन याद है वो शॉकिंग जब मुझे बहुत लगा था जब आइकिया में हम गए थे, वो पूरा बना, मतलब असेंबल करके वापस करने आ रहे थे लोग. तो असेंबल करना मतलब जैसे फर्नीचर है वो पूरा असेंबल किया उन्होंने, वो वापस करने आ रहा था. जमा जमू के सेट करके घर में, मजा ऐसा नहीं आ रहा, चलो वापस करने. तो ये था नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, आप लोगों के लिए भी है तो जरूर कमेंट करना. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट का है. तो डॉक्टर अपॉइंटमेंट एक तो आप लोगों को पता ही है, हमने पहले बहुत वीडियोस में बताया कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 1 साल बाद भी मिल सकती है. डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल गई मतलब आप भगवान से मिल लिए भैया. तो 1 साल बाद भी मिल सकती है. आपने गए भाई पेट दुख रहा है, बोलो भाई पेट दुख रहा है तो दुख रहा है, मतलब छोटी मोटी चीजें कुछ नहीं है, मतलब क्या ही बताओ, नेक्स्ट लेवल की चीज है. तो ये आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो भी आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखनी पड़ेगी. अपॉइंटमेंट इसलिए भी नहीं है, एक तो डॉक्टर्स काम है, दूसरा क्या होता है ना, लोग किसी को ऑफिस से लीव लेनी है तो एक ऑफिस डॉक्टर से एक स्लिप लेनी पड़ती है, उसके लिए लोग अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं, जाते हैं कि हमें स्लिप दे दो छुट्टी लेने के लिए. तो डॉक्टर्स वैसे बहुत कम है यहाँ पर, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इसलिए अपॉइंटमेंट्स बहुत बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते. जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, आप सोचो कि डायरेक्ट चले जाएँ, नहीं, पहले आपको अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तब वो बताएंगे किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है. ये अभी रिसेंटली रूल चेंज हो गया है, मैंने जर्मनी में अभी सुना, 1 या 2 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, कि अब आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हो. जैसे कोई हड्डी का डॉक्टर है, ठीक है, कोई न्यूरोसर्जन है उसके पास, पहले ये भी नहीं था, पहले आप फैमिली डॉक्टर के पास जाओ, वही भेजेगा यहाँ. तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है चीजें, और हर चीज जो है वो कागज पे चलती है. तो जैसे अगर जैसे मेरे को तबीयत खराब है ना, जनरली मैंने डॉक्टर के पास लोगों को इसलिए जाते देखा है, मैं गलत भी हो सकती हूँ इसमें, पर हाँ, तो जैसे मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे चाहिए 5-6 दिन की छुट्टी, तो यहाँ पर एक स्लिप देते हैं डॉक्टर, जो आपके जो घर वाले हाउस आर्ट होते हैं वो देते हैं. तो लोग जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं और वो सिर्फ स्लिप लेने के लिए जाते हैं, और जो डॉक्टर है वो पूछता भी नहीं है आपको क्या हुआ है, बस कितने दिन के लिए चाहिए ये पूछ लेता है और लिख के दे देता है, और वो पर्टिकुलर जो स्लिप होती है वो आपको अपने ऑफिस में लगानी होती है सिक लीव के लिए. तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे पे बिलीव करते हैं, और दूसरी बात वो मतलब ऐसे मिस यूज़ नहीं करते हैं कि भाई क्योंकि सिक लीव है हम ले सकते हैं तो आप ले लो, मतलब डॉक्टर को बोल दो कि भैया हमें चाहिए. उसी से एक और जो शॉकिंग पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो सिक लीव का. यहाँ पर अनलिमिटेड सिक लीव होती है, मतलब अनलिमिटेड मतलब मैं कितनी भी सिक लीव ले सकती हूं. कितनी भी का मतलब नहीं कि साल में 365 दिन सिक लीव ले लो, पर कोई लिमिट नहीं. जैसे अपने आप है जो जहाँ हम जॉब करते थे, हमारी कंपनीज में आईटी इंडस्ट्री में जनरली 22 या 25 ऐसे कुछ लीव होती थी, वो
सारी लीव है वो, सिक लीव आपकी और सारी लीव उसी में, अगर आप बीमार हो गए तो भी उसमें से लीव लेनी है, आपको कुछ काम है तो भी उसमें से लीव लेनी है, वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर 30-30 लीव होती हैं जो आपकी नॉर्मल हॉलीडे घूमने फिरने काम के लिए होती हैं, और बाकी सिक लीव काउंट ही नहीं होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ, उसको बोलो कि मेरे को कोई तबीयत खराब है या कुछ खराब है, तो वो स्लिप दे देते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। वो स्लिप आप ऑफिस में दो, उसमें लिखा होगा कि बंदा 5 दिन आराम करेगा तो 5 दिन आपकी सिक लीव है, कोई पैसे नहीं कटेंगे। तो ये एक सुन के मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा था, अनलिमिटेड सिक लीव। और मुझे लगा था यार यहाँ तो लोग मतलब लूट मचा देंगे, कुछ भी काम है बीमार, सर हम बीमार हैं, हम तो बीमार हैं, पर लोग यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके वजह से बैलेंस बना हुआ है कि लोग फालतू में, मतलब 1-8% लोग तो सभी करते हैं पर फालतू की ऐसे सिक लीव नहीं मारते। हमारे जैसे लोग तो सिक होते हैं तो भी नहीं लेते सिक लीव। तो अनदर पॉइंट दीपक कौन सा है? वो भैया समय की कीमत। और वो जरूरी है समय की कीमत, और हम करना सीख गए क्योंकि यहाँ पर जो है वो समय से सब कुछ चलता है। तो कितना शॉकिंग लगा था हमारे लिए दीपक, मैंने सुना था, पता थी चीजें, ऑब्वियसली आपको आजकल सब कुछ सारी कंट्रीज के बारे में चीजें पता होती हैं, पर जब आप उसे एक्सपीरियंस करते हैं ना तो रियलिटी समझ में आती है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि भाई मीटिंग 9 बजे है तो 9 बजे आप रेडी हो, अपॉइंटमेंट 6 बजे है तो 6 बजे आप रेडी हो। कई बार सुरभि के साथ ऐसा हुआ है, तुमने सलून में अपॉइंटमेंट ली 6 बजे की और 6:20 पे पहुंचे, उन्होंने बोला नहीं अब नहीं हो सकता, हो गया। तो मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम के हिसाब से, जो कि शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि मानो या मानना मत मानो अपने देश में तो ऐसा नहीं होता, एकदम टाइम पे चलने वाली चीज है जो मैंने अभी एक्सपीरियंस की थी। और क्या होता है ना, ये आपकी हैबिट बन जाती है। अब हम जहाँ पर पूरे टाइम वहीं पर रहे और एकदम से हम आते हैं तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो है पंक्चुअलिटी को सीख गए यहाँ आके, हमें टाइम की कीमत पता है। अगर हमें 9 बजे की अपॉइंटमेंट है या 9 बजे की हमारी मीटिंग है तो हम 8:59 पे जो है वो पूरा रेडी बैठे होते हैं, और अगर 9:30 की है तो वो मीटिंग जो है वो 9:30 मतलब 9 से 9:30 है तो 9:30 वो खत्म हो जाती है। तो मतलब सब रिस्पेक्ट है टाइम की, दूसरे के टाइम की भी वैल्यू है और दोस्तों में भी। ऐसा नहीं मतलब कि सब सिर्फ ऑफिशियल, अगर आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं या ऑफिस के किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो बाहर ऐसे ही कि चलो लंच पे आज बुला लिया, डिनर पे बुला लिया, तो 6 बजे का टाइम प्लान किया तो वो शार्प 6 बजे ही पहुंचते हैं। मतलब अपने यहाँ पे तो वो कल्चर है कि 6 बजे बोला तो चलो 6:30-7 तक पहुंचेंगे, और हम भी वो एक्सपेक्ट करते थे कि यार 6 बजे का तो बोला है वो आ जाएंगे 6:30-7 तक, यहाँ नहीं है 6 बजे मतलब 6 बजे। तो बहुत अच्छी चीज, मतलब हर किसी केस में यहाँ पर मतलब कोई भी एक एक्सेप्शन नहीं है, हर किसी केस में टाइम जो है वो बहुत फॉलो करते हैं। अगर आपको उन्हें 9 बजे बुलाना है तो आप 9 बजे बोल दो भैया, अगर आपको 9 बजे मीटिंग करनी है रात में तो 9 बजे कर लो, लेकिन फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत दो। ये एक जर्मनी के बारे में है जो आपको पता होनी चाहिए और शॉकिंग भी है हमारे लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है दीपक जो, तो भैया मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, वो था डिजिटलाइजेशन से ये लोग इतने डरते हैं भाई साहब कि मैं आप तुम्हें क्या बताऊं। मतलब डिजिटलाइजेशन से कौन डरता है यार, मतलब डिजिटलाइजेशन से वैसे कहने के लिए जर्मन टेक्नोलॉजी भाई साहब एक नंबर की चीज है, पर यहाँ की जो लोगों की जो डेली लाइफ है ना उसमें अब जाके कोरोना के बाद से चीजें मतलब डिजिटलाइज होनी शुरू हो गई हैं। फॉर एग्जांपल कहीं आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो पहले फोन उठाओ फोन करो, एप्स नहीं होती थी कोरोना के पहले तो बहुत मुश्किल था डॉक्टर्स की या गवर्नमेंट ऑफिस में आपको इतने सारे काम होते हैं वीजा का इसका उसका, तो कॉल करो अपॉइंटमेंट लो फिर जाओ, कुछ ऑनलाइन नहीं होता था यार, बहुत ही कम होता था वो भी बड़ी बड़ी सिटीज में। अब जाके थोड़ी बहुत चीजें होनी शुरू हुई हैं कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर लो, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भेज दो, पहले वो भी नहीं कागज प्रिंट निकालो साइन करो पोस्ट लेके पोस्ट में डालने जाओ वो उनके पास जाएगा, मतलब इतना ऐसा लगता था पुराने जमाने में यार इतना पेपर वर्क हर चीज का प्रिंट आउट साइन करके पेपर भेजो। इवन बड़ा मुश्किल था। एक एग्जांपल याद है मुझे, एक रिपोर्ट पहले जिस सिटी में हम रहते थे वहां पर मेरे कुछ टेस्ट हुए थे मेडिकल टेस्ट, तो वो मैंने बोला कि वो भेज दो यहाँ के डॉक्टर को, तो उन्होंने बोला हम ईमेल पे नहीं भेज सकते आप यहीं आके लेके जाओ क्योंकि सिक्योरिटी इशू है। मतलब मैं शॉक हो गई कि आप रिपोर्ट ईमेल पे नहीं भेज सकते हो, मतलब हमारी रिपोर्ट है यार हमें दिक्कत नहीं है भेज दो, पर नहीं भेजते हैं। मतलब इतना ज्यादा इनको डर लगता है कि हाँ यार टेक्नोलॉजी से कि डेटा आपका सिक्योर है या नहीं है,
अरे आज के टाइम पे किसी का डेटा सिक्योर नहीं है वैसे भी, और एप्स भी नहीं थी यार पहले, बहुत कम एप्स थे, एप्स नहीं थी, मतलब जो इंडिया में हम काफी टाइम से यूज कर रहे थे वो अब जाके यहाँ जो है लोगों ने अब अपना टेक स्टार्ट किया, मतलब वो स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट हुई है, जो बिग बास्केट है दीपक कब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उस तरीके की सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट हुई है जो वो अब चेक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की कैसा है, तो ये डिलीवरी विलीवरी वाला तो सीन यहाँ है ही नहीं, आपको शॉपिंग करनी है आप अपना झोला उठाओ जाओ आसपास के सुपरमार्केट में क्योंकि आसपास ही रहते हैं यहाँ पर और वहां से शॉपिंग करके आओ, पर अब धीरे धीरे क्योंकि अब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल वर्ल्ड हो रहा है तो धीरे धीरे चीजें बदल रही है, पर अब भी पीछे है मैं तो कहूंगा बहुत पीछे है, अपने यहाँ तो दवाइयां से दवाइयां भी आ जाती हैं पर यहाँ पर ऐसे कोई नहीं है, अभी धीरे धीरे मैंने सुना है कुछ स्टार्टअप आ रही है, होपफुली जब हम नेक्स्ट वीडियो कोई बताएंगे तो आपको चेंजेस बताएंगे कि जर्मनी में कितने चेंज आ गए जब हम आए थे वर्सेस यहाँ। तो जो लास्ट पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है डिजिटल पेमेंट, मतलब ऑनलाइन पेमेंट्स, ये अब मान लो आज के टाइम पे भी इस जमाने में 2022 में जर्मनी में अगर आप यूरोप घूमने आ रहे हो तो भाई साहब ये मत सोचना कि कार्ड से हर जगह पेमेंट हो जाएगी, आपको कैश कैरी करना पड़ेगा बड़ी बड़ी सिटीज में भी, म्यूनिक बर्लिन ऐसी सिटीज में भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कार्ड से पेमेंट नहीं होगी, और उसका एक्सपीरियंस सुरभि अभी अभी करके आई है। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ एक बहुत ज्यादा फेमस चीज होती है अक्टूबर फेस्ट, आपने सुना होगा, मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस वो तो है अक्टूबर इवेंट है यार, वर्ल्ड फेमस इवेंट, और वो म्यूनिक में होता है, ठीक है, म्यूनिक क्या वो सारी सिटीज में होता है पर म्यूनिक का सबसे मेन है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर चल रहा था स्प्रिंग फेस्ट, मतलब फ्यूलिंग्स फेस्ट जो की अक्टूबर फेस्ट के पहले आता है, तो वहां मैं गई एंड मेरे दिमाग में ऐसा था कि यहाँ पर सब लोग कार्ड लेंगे क्योंकि इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आते हैं इधर उधर से और इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन जो है वो वहाँ पर रहते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है एक आध दो जगह नहीं लेंगे हमें क्योंकि पता है कि यार यहाँ पर जो है वो ज़रूरी होता है कैश, पर ले लेंगे। उस दिन मतलब मेरी किस्मत ही खराब थी, ये समझ लो कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने एक जगह गई नो कार्ड नहीं ले रहे, दूसरी जगह गई कार्ड नहीं ले रहे, तीसरी जगह गई कार्ड नहीं ले रहे, फिर हम लोग गए वहाँ पर टेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े ब्रूअरी होती हैं उनके टेंट्स होते हैं, तो वहां पर हम लोग गए, हमें लगा चलो यहाँ तो ले ही लेंगे वो लोग इतने बड़े बड़े बहुत बड़े, मतलब मैं नाम बताऊं तो ये मान लो किंग फिशर लेवल की बड़े बड़े ब्रांड्स अल्कोहल के, हाँ, उनके ब्रू होते हैं, हाँ उनके ब्रू होते हैं, उनके टेंट्स होते हैं जिसमें हजारों लोग अंदर जो होते हैं वो बियर पी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ कैश चलता है, सिर्फ कैश, वहां पर कार्ड लेते ही नहीं है, तो यार बहुत शॉकिंग लगा मुझे उस दिन, और मुझे उस दिन रियलिटी ऑफ जर्मनी समझ में आई कि यार इतने बड़े फेस्ट में भी अगर आप कैश ले रहे हो और एटीएम कार्ड या कार्ड्स जो है वो नहीं ले रहे हो तो वो बहुत शॉकिंग है, ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ इनकेस अगर आप आ रहे हो फेमस है आ रहे हो, यूएस वाले आ रहे हैं, इंडिया वाले आ रहे हैं, तो प्लीज अपना कैश लेके आना क्योंकि आप एक बार अंदर घुसे और आपके पास कैश नहीं है तो आप कुछ खाने में भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो छोटा मोटा कैसा नहीं किसी छोटे शहर का मेला लगा हो जैसे अपने यहाँ मेले लगे होते हैं, समझ आता है, मतलब वर्ल्ड फेमस इवेंट्स हैं ये और बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं, मतलब जर्मनी की, लेकिन देख तो लो जो रियलिटी है बात, just, I'm just asking. मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मुझे लगा कहीं तो कार्ड चल जाता होगा, मुझे भी जब मैं उस अंदर घुसी और इतने लोग देखे मुझे लगा यार यहाँ कार्ड होगा, पर हाँ बहुत शॉकिंग था यार, पर ये है रियलिटी तो। तो गाइज ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो 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 इंटरेस्टिंग लगे हमने सोचा आपको बताया जाए, आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा वो जरूर कमेंट करना, और बस मजे करते रहो, मजे मारो लाइफ के, जर्मनी आओ तो कैश लेकर आना और बस हमारे वीडियोस देखते रहो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग बताते रहे, और बाकी व्लॉगिंग चैनल है उसमें हम लोग जो करते हैं डेली लाइफ में वो दिखाते रहते हैं, तो वो देख लो, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट और भी कोई अच्छे वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।